लेट्स स्टार्ट विद, हमने पिछली बार किया था कोलन पिस्टन इंटरेक्शन एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद यू नो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. तो पहले तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हम क्या चाहते हैं, हमारे पास दो मैंगो के प्लांट्स हैं, है ना. हमें एक मैंगो के प्लांट पे कुछ फीचर्स अच्छे लगते हैं, दूसरे के कुछ और फीचर्स अच्छे हैं, और हम चाहते हैं दोनों के, हमें जो नया प्लांट मिले मैंगो का उसमें दोनों के फीचर्स कंबाइंड हो. तो हमने क्या किया कि एक मैंगो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ले लिया और दूसरे मैंगो प्लांट के हमने पोलन ग्रेन्स ले ली, ठीक है. और दोनों की हमने क्या की डिजायर्ड, हमारे अपने हिसाब से, नेचर के हिसाब से नहीं, नेचर ने तो पता नहीं कौन से पोलन लाके कहाँ पे जर्मिनेट करने थे, बट हमारे हिसाब से हमने क्या की आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की. हमने क्या किया, लेट अस से अगर ये एक मैंगो प्लांट है जो हमने यू नो बायसेक्सुअल फ्लावर्स ही होते हैं, इट इज टेकन एज फीमेल, इसको हमने एक फीमेल की तरह एक्ट करवाना या सोचना है. क्यों? ताकि, और कैसे, हम कैसे इसको एज फीमेल ट्रीट करेंगे, इसके हमने क्या किए, इसके हमने एंथर्स जो है वो रिमूव कर दिए, ठीक है. Removal of anthers is called as inoculation. और ये क्या हो गया, इसमें सिर्फ क्या रह गया, पिस्टिल. अब इस पिस्टिल पे हवा से, किसी इंसेक्ट से कोई अनडिजायर्ड पोलन ना आ जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी मर्जी के बगैर कुछ हो, अनडिजायर्ड पोलन नहीं आ जाए. तो हमने इसको, अभी ये मैच्योर नहीं है, और हमने इसको किससे कवर कर दिया, बटर पेपर से कवर कर दिया, कवरिंग बाय बटर पेपर जनरली, बट पॉलिथिन से भी कर सकते हैं. और इसको हमने क्या कहा, बैगिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग. उसके बाद एक और प्लांट है मैंगो का ही, ऑब्वियसली डिफरेंट वैरायटी है, इट इज टेकन एज मेल. हमने इसको कुछ नहीं किया, ना इनेस्कुलेशन ना बैगिंग, बट इसके क्या किए, हमने इसके पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड, हमने इनके पोलन ग्रेन्स इकट्ठे कर लिए एक बटर पेपर पे या किसी भी पेपर पे, हमने पोलन ग्रेन्स इकट्ठे कर दिए. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, डीबैगिंग, रिवर्सल ऑफ बैगिंग या रिमूवल ऑफ पॉलिथिन शीट. पहले ध्यान से सुनो फिर लिखना, मैं टाइम दूंगी. डीबैगिंग किया, ठीक है. व्हेन स्टिग्मा इज रिसेप्टिव, रिसेप्टिव मतलब मैच्योर हो गया. और फिर हमने क्या किया, debagging key, and these pollen grains are dusted manually, dusted manually over stigma, okay, and after then again rebagging, ताकि कोई और pollen ना आ सके,
यही पोलन जर्मिनेट करें, कहीं बाहर से कोई दूसरे पोलन ना आ जाए, इसलिए हमने इसको दोबारा से इसकी बैगिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद पॉलिनेशन होगी, पोलन ट्यूब जाएगी एंड रेस्ट इज पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस। बट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या किया, अगर फ्लावर्स बायसेक्सुअल है, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है, फिर हमें इमेस्टुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फीमेल फ्लावर है तो फीमेल ही है, उसके एंथर्स क्यों रिमूव करेंगे। तो बायसेक्सुअल फ्लावर्स में इमेस्टुलेशन अभी एंथर डिहाइस नहीं हुए हैं, इमेस्कुलेशन हमने उनको रिमूव कर दिया, क्योंकि अगर डिहाइस हो जाते पहले से ही, तो कुछ ना कुछ पोलन तो इसके ऊपर आ सकते थे, तो हम नहीं चाहते, इसलिए बिफोर डिहाइसेंस जो है हमने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने स्टिग्मा को हमने बैगिंग कर दी, ताकि कोई फॉरेन पॉलिनेशन ना हो, फॉरेन पोलन या हमारे अनडिजायरेबल पोलन जो है वो ना आए, राइट, कवरिंग दिस बैगिंग टू प्रिवेंट अनडिजायर्ड पोलन। Undesired pollination, you can say. और उसके बाद हमने दूसरे प्लांट से जिसको हमने एज मेल लेना है उसके पोलन ग्रेन्स लिए, एंड देन व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स मैच्योर, दीज पोलन ग्रेन्स, कलेक्टेड पोलन ग्रेन्स आर डस्टेड ओवर द स्टिग्मा आफ्टर रिमूवल ऑफ द बैग, आफ्टर डस्टिंग ऑफ द पोलन अगेन रीबैगिंग अकर्स। ठीक है, रीबैगिंग again to prevent undesired pollination. ठीक है जी, this is artificial hybridization in case of bisexual plants. This is plant A and this is plant B of same species. Okay, a banana. वही मैंने लिख दी है बेटा कि द प्रोसेस ऑफ डिजायर्ड पॉलिनेशन, डिजायर्ड मीन जो हमारी इच्छा से है, बिटवीन टू प्लांट्स मैनुअली इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसके बाद बायसेक्सुअल प्लांट्स इमेस्कुलेशन करते हैं, सबसे पहले हम इमेस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर देयर डेहिसेंस, एंथर्स की डेहिसेंस, एंथर्स में से पोलन ग्रेन लिबरेट होने से पहले हमने इनको रिमूव कर दिया, एंड स्टिग्मा इज कवर्ड बाय द बटर पेपर कॉल्ड एज बैगिंग। उसके बाद हमने इसमें से पोलन ग्रेन्स रिमूव किए, पोलन ग्रेन्स हमने इसको अनबैग करके पोलन ग्रेन्स इस पे डाले और फिर हमने रीबैगिंग कर दी। बस यही मैंने लिख दिया ताकि अगर आ जाए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप ये लिखें, राइट, लिख लो फटाफट। अगर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है, इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स
दिस इज पिस्टिलेट फ्लावर, आप बना सकते हो साथ में। पेटल्स एंड सेपल, दिस इज पिस्टिलेट फ्लावर, प्लांट ए। This is, you know, seminate flowers. ठीक है, अब इनमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, बट रिमेंबर दैट दिस इज द फ्लोरल बड, फीमेल प्लांट, इट इज बैग्ड बिफोर ओपनिंग। इसको हमने पहले से एंथेसिस इमेस्कुलेशन तो करने की जरूरत ही नहीं, इसको हमने This is butter paper bag. Bagging of female flower before anthesis. इसी में ही बेटा, इसी में ही जो है ना फीमेल फ्लावर की एम्फेसिस हो गई, खुखिल गया। हमने जो बटर पेपर था वो थोड़ा सा खुला सा किया था ताकि इसके अंदर ही फूल जो है वो खुल जाए, खिल जाए, एम्फेसिस हो जाए। तो यू कैन सी हियर एम्फेसिस ऑफ फीमेल फ्लावर इन बैड कंडीशन। देन From here, ये खिल गया प्लांट, मैच्योर स्टेमिनेट फ्लावर, पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड और फिर इसकी क्या हुई अनबैगिंग। Unbagging हुई and then these pollen grains are dusted, dusting of pollen grain, dusting ये नहीं कि सफाया कर दिया, dusting मतलब उसके ऊपर झाड़ दिए, यहाँ पे ये मतलब है। And again rebagging, मैं यहाँ पे diagram नहीं बना रही हूँ बट अगेन इसको कवर कर दिया बैग्स। इज इट ओके? ठीक है, तो दिस इज इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और यही चीज जो है जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे लिख दी थी। ठीक है, अब ये बना लो सारा और लिख भी लो ये साइड वाला इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती।
सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है, देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर है वो बड स्टेज पे ही उसकी बैगिंग कर देती है, क्योंकि जब वो खिल गया, जब वो मेच्योर हो गया, तो उसका स्टिग्मा जो है साथ ही रिसेप्टिव हो जाता है, राइट। इसलिए हम उसको पहले ही कवर कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। ये भी एन है, ये भी एन है, तो जाइगोट क्या होगा, टू है। ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे देखो कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स, जो मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। कोई फ्लैजेला तो है ही नहीं, कोई सीलिया फ्लैजेला कुछ है ही नहीं। Therefore, they are carried by, कैसे जाएंगे, खुद तो बेचारे चल के जा नहीं सकते, कैसे जाएंगे फीमेल गैमेट तक, कैरिड बाय पोलन ट्यूब टू द फीमेल गैमेट। Therefore, या हम कहते दस फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, इसको हम कहते हैं बेटा, हमने लास्ट ईयर जिम्नोस्पर्म्स में भी बताया होगा, साइफोनोगैमी, साइफन लाइक। Another point, growth of pollen tube in style promoted by है ना, या chemicals होते हैं boron, inositol, शुगर कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑब्ट्यूरेटर एक स्ट्रक्चर होता है, ऑब्ट्यूरेटर गाइड्स द पोलन ट्यूब टुवर्ड ओवरी एंड ओव्यूल। ऑब्ट्यूरेटर टिश्यू है, वो टिश्यू जो पोलन ग्रोथ की, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करे, कहां को ग्रो करना है, क्या करना है, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, पहले ध्यान से देखना है शिवांशी, इधर बेटा, Now, as I had told you, this is ovary, इसके अंदर हम एक ही ओव्यूल की बात कर रहे हैं, these are the integuments। And
इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। दिस इज वन सिनर्जिक, दिस इज फिलिफॉर्म ऑपरेटस। द सेकेंड सिनर्जिड इज डी जनरेटेड, इट स्टार्ट डी जनरेशन बिफोर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पहले से ही डी जनरेट होना शुरू हो जाता है एक सिनर्जिड। एक सिनर्जिड इंटैक्ट है, दूसरा सिनर्जिड डी जनरेट होना शुरू हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। ठीक है, उसके बाद यू नो दिस इज एग, this is you know this is central cell. Central cell has two polar nuclei और यहां पे ये है एंटीपोडल, ये आपको सबको पता है राइट। यहां पे मैंने आपको क्या दिखाना था कि वन सिनर्जिड it starts degenerating before entry of pollen tube. यहां से pollen tube आ रही है, carrying two male gametes and it opens in the degenerating synergid. Intact synergid में नहीं, it enters, it opens in the synergid which is already undergoing degeneration and liberates two male gametes. Is it right? मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही डॉटेड कर रही हूँ ताकि आपको ये दिख जाए कि ये पोलन ट्यूब आ रही है, कुछ नहीं है ये सिर्फ डॉटेड। आपके पास डिफरेंट पेन हो तो आप उससे बना लो, बाकी ये कुछ नहीं कि ये डॉटेड क्या है मैम, कुछ भी नहीं है। दिस इज ओनली टू यू नो शो टू एग्जिबिट कि भी ये पोलन ट्यूब है, दिस इज पोलन ट्यूब। तो जो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ऑलरेडी डीजेनरेटिंग सिनर्जिड ऑफ embryo sac is facilitated by filiform apparatus. Is it right? ठीक है जी, तो इसको किसने गाइड किया, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स। लेटर बोथ द सिनर्जिड्स डीजेनरेट बाद में दोनों सिनर्जिड, पहले एक शुरू हुआ था ओपनिंग के बाद धीरे धीरे करके दोनों सिनर्जिड डीजेनरेट कर जाएंगे along with
एंटीपोडल्स। मेल गैमीट्स का क्या हुआ? वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट, मतलब एग से, टू फॉर्म टू एन जाइगोट। दिस इज कॉल्ड एज सिंगेमी और जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज सिंगेमी और जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं इनको? दीज आर पोलर न्यूक्लियाई एंड दिस इज सेंट्रल सेल फॉर्मिंग थ्री एंड primary endosperm cell. PEC. And this is called as, because three nuclei are fusing, दो central cell के एक male gamete का, therefore it is called as ट्रिपल फ्यूजन या फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम यहां पे देखें दिस इज ओवरी दिस इज ओव्यूल integuments of the ovule, pollen tube अब खत्म हो गई, degenerate कर दी क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं। ये embryo sac है, embryo sac में this is zygote and this is primary endosperm. Is it okay? This is 3N and this is 2N. This is fertilization. मैं अभी लिखाऊंगी आपको, पहले आप ये नोट करोगे। Because there are, ध्यान से देखो इधर, शिवंशी इधर, two acts of fertilization. एक है syngamy, एक है triple fusion. Therefore, it is called as double fertilization, right? और पहले क्या बनेगा? पहले कौन सी fertilization होगी? Syngamy की triple fusion? पहले होगी syngamy. मेहमान आया, तब खाने की तैयारी शुरू हुई, या मेहमान आने की खबर मिली. पहले जाइगोट बना, जब जाइगोट बन गया तब सेकेंड वाली फर्टिलाइजेशन हुई, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन, कि हाँ भाई जाइगोट बन गया है, अब हमें खाना बनाने की तैयारी करनी है. इसलिए ट्रिपल फ्यूजन अकर्स आफ्टर सिंगेमी. अगर सिंगेमी नहीं होती किसी कारण से भी तो ट्रिपल फ्यूजन भी नहीं होती. इज इट ओके? ठीक है, चलो ये मैं लिखवाऊंगी, पहले आप यहां तक लिख लो, डायग्राम बना. यहाँ पे लिख लो, एज देयर आर टू एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एज साथ साथ ही लिख लो, एज
देयर आर टू एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, दस द process is called as double fertilization. It is characteristic feature एंजियोस्पर्म्स होंगे. डबल फर्टिलाइजेशन और किसी प्लांट ग्रुप में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में. सिंगेमी प्रीसीड्स, प्रीसीड्स मतलब उससे पहले, प्रीसीड्स ट्रिपल फ्यूजन. Double fertilization discovered by किसने पहले देखी, स्टडी की, नवाश्चे. अनियन फैमिली है, लिलिएसी, उसमें एक प्लांट है ट्रिलियम, किसने स्टडी की, नवाश्चे ने स्टडी की ट्रिलियम ने. यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान से देखो जरा, ये मैं स्टार डाल के लिखूंगी, पहले ये सुन लो फिर लिख लेना बाकी का. ऑल्दो सिंगेमी अकर्स फर्स्ट बट डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल occurs prior to, prior मतलब पहले, prior to development of zygote. ऐसा क्यों, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले क्यों होती है, वो इसलिए कि this ensures nutrient supply. To growing embryo, zygote से embryo बनना है, उसके लिए nutrition चाहिए, तो nutrition पहले बन जाएगी और उसके बाद जो है zygote की development होगी in the embryo, right? तो ये क्यों पहले development of peck होती है, this ensures nutrient supply to the growing embryo. Is it okay? अब लिख लो. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, या पहले ऊपर टॉपिक लिखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. तो उसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. अब ये देखो दिस इज 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. अब क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर बड़ा हो गया और इसमें क्या हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए. हम इतने सारे एकदम नहीं बनाते, लेट्स से पहले हम दो न्यूक्लियाई बन गए,
डिवीजन हुई, फिर चार बन गए, फिर बहुत सारे, दिस इज प्री न्यूक्लियर डिवीजन वेयर कैरियोकाइनेसिस अकर्स बट नो साइटोकाइनेसिस, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल, बीच में एक वैक्यूल आ गया जिससे ऑल द न्यूक्लियाई आर ट्रांसफर्ड एट द पेरिफेरी। दिस इज वैक्यूल। और फिर इसके बाद क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, देन सेल वॉल फॉर्मेशन बिगिन, और सेल वॉल इस तरह से बनती है दैट द वैक्यूल डिसअपियर्स। इनके बीच में आपने न्यूक्लियाई बना लेना है, ठीक है, ये सारा, नाउ दिस इज, ये बन गया एंडोस, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी कंडीशन आ जाती है, एक और टाइप का है, कौन सा है, यहां पे दो न्यूक्लियाई बने और साथ ही सेल वॉल बन गई, चार न्यूक्लियाई बन गए, अगेन सेल वॉल इज फॉर्म, एंड दिस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, है ना। ये आपने पूरा बना लेना बेटा, इस तरह मेरी तरह नहीं छोड़ देना। इस तरह से तीसरा क्या है, एक और है, सेलुलर की तरह दो सेल्स बन गए, इसकी तरह दो सेल्स बन गए, देन इन ईच सेल देयर इज प्री न्यूक्लियर डिवीजन। Development of vacuole, nuclei shifted at the periphery, and then again this type. बनना यही टाइप है, but ये कौन सा है, ये first है, this is called as न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये सेकेंड वाला है, सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड दिस इज थर्ड वन,
एलोवियल एंडोस्टोम। अगेन देख लो, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट देयर आर थ्री टाइप, एंड रिजल्ट तो सेम ही है बट बेस्ड ऑन डेवलपमेंट कैसे डेवलप हो रहे हैं, थ्री टाइप के एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड फेलोपियर। न्यूक्लियर में पहले प्री न्यूक्लियर डिवीजन है इन विच न्यूक्लियाई डिवाइड बट देयर इज नो सेल वॉल फॉर्मेशन, बट अल्टीमेटली व्हेन ऑल द न्यूक्लियाई आर फॉर्म देन साइटोकाइनेसिस अकर्स। इन सेलुलर एंडोस्पर्म साइटोकाइनेसिस अकर्स फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द फर्स्ट डिवीजन। Karyokinesis, each karyokinesis is followed by cytokinesis. Halobial, in between cellular and nuclear endosperm, first division is like cellular endosperm, further divisions or further development like nuclear endosperm, this is halobial endosperm. ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर करके लिख लेना development of endosperm, तो हम कहेंगे there are three types of endosperm based on their type of development. कैसे डेवलप हो रहे हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोपियर। ठीक है, करो ये। So for today, this is all. And next time we will meet tomorrow at 11:30. Right? Okay. Okay, baby. Bye bye. Mom, 11:30. Hanji, 11:30. Okay. Thank you. Thank you, Mom. Welcome, baby. Bye bye.